नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट्स सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मतलब इंजन की पावर्स को कंपेयर करने के लिए एक नॉर्मल ड्रैग रेस करा रहे हैं हम होंडा लीवो और होंडा की एसपी शाइन 125 के बीच में। बाकी एक क्विक कंपैरिजन इंजन्स का आपको दे देता हूं। तो होंडा लीवो में आपको 110 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। चलने में तो भाई ये बिल्कुल शाइन जैसी ही लगती है। पावर फिगर्स जो है ऑब्वियसली इसके एसपी से कम। ये वाली मैं चलाऊंगा, उस पे जा। ये 125 सीसी में आती है एंड वो 110 सीसी में आती है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये खाली पुल पड़ा हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर एंड इस पे हम ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, लगभग 100-200 मीटर। आधा किलोमीटर नहीं होगी, 100-200 मीटर के लगभग ये होगी इसकी डिस्टेंस। तो क्विक ड्रैग रेस करेंगे। मुझे नहीं लगता कि गाड़ी तीसरे गियर से ऊपर जाएगी तो कोई खास ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक गाड़ी चलाएगा कुंजू और एक गाड़ी चलाऊंगा मैं। आगे की तरफ प्रियंका खड़ी हुई है डिक्लेयर करने के लिए, तो हम 2-3 राउंड जो है इसके करके देख लेते हैं। तो चल उस पर बैठ जा फटाफट। क्या भारी एंड मेरे साथ क्या है कि ये गाड़ी 125 सीसी की है, थोड़ी सी हैवी है, तो एक जो बालक है मैं इसे एक्स्ट्रा वजन जो है मैं बिठा के चलूंगा। एंड मेरा वजन ऑलरेडी 70 किलो है, इसका 50 किलो है, तो उस गाड़ी पे जो लोड है वो कम रहेगा। 50 किलो है ना, कितना है? 49। ठीक है, 1 किलो कम है, जाओ उधर। तो देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी जो है ड्रैग रेस में जीतती है। थोड़ा सा पहले तो दूर रहे, अन्नू है वो रिकॉर्ड करेगा। आवाज आप दोनों ही गाड़ियों की सुन सकते हैं ना। वन, अच्छे से पकड़ना। टू, थ्री। तो गाइस, पहले राउंड की जो विनर थी साफ साफ होंडा लीवो थी, क्योंकि हो सकता है इस गाड़ी पे ज़्यादा वेट हो या फिर मैंने शायद जो स्टार्ट है वो लेट लिया था उस कारण से। तो 125 सीसी का इंजन है, इसे हारना तो नहीं चाहिए था और इसीलिए मैंने ये गाड़ी चूज़ करी थी, पर इसने पता नहीं कैसे रेस दिया। अब एक राउंड और करते हैं। ये सामने से जो एक ऑटो आ रहा है थोड़ा सा निकल जाए, पुल को खाली होने देते हैं। अटेम्प्ट नंबर 2। वन, टू, थ्री। इस बार तो गाइस, सेकंड राउंड में तो जो होंडा लीवो थी वो इसके आगे पीछे भी नहीं लगी। काफी ज्यादा जो मतलब इनमें डिस्टेंस थी, काफी ज्यादा डिस्टेंस होंडा लीवो और एसपी 125 के बीच में थी। हालांकि अभी भी होंडा लीवो के ऊपर कम वजन और हमारी जो शाइन है इसके ऊपर ज़्यादा वजन था। गाड़ी पुरानी भी है, कार्बोरेटर यूनिट के साथ भी आती है, फिर भी इसने काफ़ी अच्छा स्ट्रेच किया। भाई खूब फुल रेस खींचना है तेरे को, गियर बदलेगा तो भाई नहीं खींच पाएगी। एंड इस बार चल थोड़ी सी कंपनसेशन इसको मैं दे देता हूँ। आप देखें लेवल में तो शाइन जो है पीछे है, लीवो आगे है। स्टार्ट करते हैं फाइनल राउंड। वन, टू, थ्री।
से आते समय जिससे। तो गाइस इस बार ज्यादा चौड़ में आने के कारण मैंने इसको आगे निकाल दिया थोड़ा सा, इस कारण ये जीती है। तो मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस था कि शाइन जीत जाएगी। तो इस बार बराबरी का मुकाबला फाइनल, इस बार जो आगे निकल गया वो फाइनल विजेता माना जाएगा, है कि नहीं? तो इस बार बराबर बिल्कुल इस लाइन पे, और पीछे ले इस बार कोई, बस बस। तो इस बार बराबरी का मुकाबला है। चलो 1 2 3 इस बार काफी हद तक बराबरी का मुकाबला था। और कौन जीता ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम आपसी में रजामंदी करते हैं, कौन जीता भाई तू बता? पता नहीं, बराबरी हुई है, थोड़ा आगे निकल गया था भाई। वो अगर मोड़ नहीं होता और मैं ब्रेक नहीं मारता तो जीत जाती शायद। हैं? तूने पूरी रेस खींच रखी थी और मैंने आधी खींच रखी थी, मतलब आधी थोड़ी सी कम थी। ये था भाई क्विक कंपैरिजन। मेरा ये मानना है कि भाई दो रेस जो है शाइन ने जीती है और दो लीवो ने, एंड हो सकता है उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम यहाँ पे आते हैं। बाकी लीवो किसी भी मामले में शाइन से कम नहीं है, क्यों, क्या बोलते हैं? सही बात। तो इंजन जो है 110 सीसी का भले है देखने में, लेकिन भाई कम ठंडा है अभी भी, तो वो प्लास्टिक है, ठंडा रहेगा। बाकी ये गर्म है, हाँ। बाकी भाई चाहे तो जो लीवो ले सकता है, ये इसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी है एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।